एकदम सही पोनिया। अब आखिरी सवाल। तो चलो बताओ, ये खा सकते हैं या नहीं? नहीं खा सकते। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी पोनिया, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो। क्या? ओह बम्बू, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू बलू, मैंने आज तक इससे अच्छा बम्बू नहीं देखा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ठंडी गुफा से। जंगल में सबसे अच्छे बम्बू वहीं लगे हैं। ओह नहीं 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 नहीं, वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। वहाँ भले ही सबसे अच्छे बम्बू मिलते हो, पर वो ठंडी गुफा खतरनाक इलाका है। मुझसे वादा करो, तुम ठंडी गुफा के खंडरों में कभी नहीं जाओगी। ठीक है बलू, मैं वादा करती हूँ वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम वहाँ क्यों बैठे हो मोगली? एक अच्छे स्टूडेंट को अपने टीचर की बात माननी चाहिए ना। अरे वाह, इंसानी बच्चा अपने ही दोस्तों से खफा है, फंदा फेंका जा सकता है। शेरखान, शेरखान, मैंने मोगली को फंसाने का तरीका ढूंढ लिया। सच में बड़े दिनों बाद अच्छी खबर लाए हो। तो इस काम को अंजाम भी दे दूं? हाँ हाँ हा, जरूर दे दो पर खुरदार। ओह शुक्रिया, ये मेरे लिए एक जंग होगी। वादा करता हूँ इसे जीत कर ही आऊंगा। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो जिंदगी भर तुम्हें हड्डियाँ खिलाऊंगा। सच्ची कह रहे हो ना? और क्या, पर अगर नाकामयाब। अरे नहीं शेर खान, ऐसा बोलो भी मत। शाम को मुझे बरगद के पेड़ के नीचे मिलने आना, फिर देखना, वहाँ तुम्हें ये नाचीज देगा मोगली की लजीज दावत। पोनिया, तुम सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। टीचर की चमची। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओ मोगली, मैंने सुना है बलू की एक नई स्टूडेंट आई है। ओ कितने दुख की बात है और बेइज्जती भी। एक टीचर को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो, बलू गलत है। मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। ओ सही कहा मोगली, अगर किसी को कुछ सीखने की जरूरत है तो वो है बलू, तुम्हें नहीं। सच कह रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं मदद करूँ। तुम करोगे? पर कैसे? यही रहना, छुप के रहना, हिलना मत। ठीक है, पर क्यों? सवाल मत पूछो, बस मेरा इंतजार करो। इसमें तो मजा आ गया। ओह हेलो पोनिया, ये बम्बू तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे भी खाने दो ना। ओहो बिना खाए तो तुम बहुत ही मरियल हो गई हो। हाँ, बात तो सही है। पर दुख के दिन बीत गए, मैं तुम्हें आज जंगल के सबसे टेस्टी बम्बू खिलाता हूँ। कहीं वो ठंडी गुफा में तो नहीं है, क्योंकि बलू ने कहा है वहाँ मत जाना। बलू ने बिल्कुल सही कहा है। देखो वो बम्बू है तो ठंडी गुफा में, पर वहाँ बिना जाए उसे हासिल किया जा सकता है। सच्ची? हाँ मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। तुमने कहीं पोनिया को देखा? वो आज दिन में मेरे पास आने वाली थी। और मोगली भी तो नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी ही गलती है, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। मुझे पोनिया को बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए था। मोगली भी बेस्ट है पर अलग तरह से है। कहीं वो दोनों एक साथ? हमें उन्हें ढूंढना होगा बघीरा, चलो। पोनिया ने तो वादा किया था वो यहाँ नहीं आएगी। क्यों ना बल्लू को इस बारे में बताया जाए, क्या कहते हो? जिसे वो बेस्ट स्टूडेंट कहता है, सामने देखो वो उसी को धोखा दे रही है। यही मौका है, बल्लू के पास जाओ और चौका मार दो यार। पर पोनिया का क्या होगा? उसकी चुगली करना ठीक नहीं है टबाकी। पर बल्लू ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था ना। वैसे भी तुम कोई टेंशन मत लो, इस चमची को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही कहा, मैं अभी जाता हूँ। पोनिया, तुम ठीक हो? नहीं मोगली, नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जाना पड़ेगा, सोचो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अंदर मत जाना, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। ओहो नहीं मेहमान। अरे ये तो छुटकी है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़।
पोनिया इसी रास्ते से गई है और अभी अभी गई है। ओ नहीं, मैंने उसे ठंडी गुफा जाने से मना किया था, कहीं वो वहीं तो नहीं गई। हमें देखना चाहिए, चलो चलते हैं। चलो इसे कीचड़ में नहलाते हैं। कोई मदद करो। ओ शेर खान को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब तो तू गया तबाकी। शेर खान कहीं मुझे ही ना खा जाए। तबाकी? पोनिया और मोगली को तुमने कहीं देखा क्या? हाँ हाँ देखा ना, थोड़ी देर पहले ही देखा था दोनों को, बम्बू तोड़ रहे थे और खाने के लिए झरने की तरफ गए थे। एक बार को तो मैं डर ही गया था। कोई तो पकड़ो उसे। अंदर पकड़ो, अंदर पकड़ो। ये इंसानी बच्चा उस पांडा को बचा रहा था, यानी वो बड़े काम की चीज है। इन पर कड़ी नजर रखना। मैंने फंसाया या अकल से पैदल बंदरों ने, बात तो एक ही है, दुश्मन फंस गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो मोगली। ये तुम्हारी गलती नहीं है, खैर जो भी है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं गिर गई थी, चोट लगी है। अरे हाँ, लेट जाओ और बहुत दर्द होने का नाटक करो। खोलो, खोलो, मदद करो प्लीज, पोनिया को चोट लगी है। अच्छा तो इलाज कर दो। मैं कैसे करूं? प्लीज खोलो ना, ये बहुत काम की चीज है ना, इसकी जान बचानी जरूरी है। पोनिया जल्दी आओ, बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। चलो मेरे पीछे आओ। शेर खान, अच्छी खबर है ना? और नहीं तो क्या, खाना लग चुका है। वो दोनों यहाँ आए ही नहीं, तबाकी से जरूर गलती हुई होगी या फिर झूठ बोला होगा। चलो बघीरा, ठंडी गुफा की ओर। अरे नहीं, देखो अब यहाँ कौन आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस टपाकी पे भरोसा किया। मेरी भी गलती है। हाँ पर हमारी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ अंदर है। यहाँ तो उसका भूत भी नजर नहीं आ रहा। पर वो यहीं थे। हाँ तू फिर नाकामयाब रहा टबा। बहुत अच्छे पार्टनर। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी। और मुझे भी। डिनर तो मैं करके रहूंगा, भागता कहाँ है टबाकी। टबाकी।
बच्चों, भेड़ियों की पंचायत खेलने के लिए नहीं है। तो क्या सारे मुद्दों पर बात हो गई है? नहीं अकेला, मुझे कुछ कहना है। अच्छा तो फिर कहो फियोना। इस इंसानी बच्चे को अपनी नस्ल के साथ रहना चाहिए। क्या? फियोना हमेशा मोगली पर उंगली उठाता है। इंसान होने की वजह से वो उसे भेड़ियों के झुंड में नहीं गिनता। तो हम उनके बीच कुछ नहीं बोल सकते? मोगली को इन्हीं भेड़ियों ने पाला पोसा है, हमें सभा में बोलने का कोई हक नहीं। पर अकेला, मैं अपनी नस्ल के साथ ही हूँ, मुझे भेड़ियों ने पाला है और मैं एक भेड़िया ही हूँ। तुम्हारे दांत आम भेड़ियों के मुकाबले छोटे हैं और ना ही तुम हम जैसा तेज भाग सकते हो। मैं किसी भी भेड़िये की तरह भाग सकता हूँ अकेला। ये मोगली भी ना, जब देखो तब जोश में आकर होश खो देता है। मैं तो कहता हूँ क्यों ना एक रेस हो जाए और जो जीतेगा उसकी बात मानोगे। ठीक है मोगली, पक्का तुम ये रेस लगाना चाहते हो? तो ठीक है, कल ये रेस की जाएगी इंसानों के पुराने रास्ते पर। इस खबर से तो शेर खान खुशी से मुझे आधा हिरन का शिकार दे देगा। मतलब आज भी ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मुझे भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचानी होगी। ठीक है, पर जाने से पहले तुमने जो कांटा मुझे चुबाया है उसे निकाल तो दो। जासूसी नहीं कर रहा था मैं तो, वैसे ऐसे ही गिर गया। मोगली, देखो मोगली, अब तुमने हड़बड़ी में रेसिंग की चुनौती दे ही दी है, तो क्यों ना आज का लेसन रेसिंग पर ही हो जाए। अब तुम मुझे रेसिंग का लेसन दोगे? अरे जंगल में मुझसे तेज और कोई नहीं भाग सकता, और तुमने तो मेरी छलांगी देखी है बलू। मोगली, तुमने उसे दौड़ने की रेस के लिए चैलेंज किया है, अगर बेलों का इस्तेमाल हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर वो मुझे निकाल देगा। ओ बलू, नहीं। पर सुनो, भले ही तुम बेलें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पर फियोना तुमसे बड़ा है और तुम अपने छोटेपन का फायदा उठा सकते हो। गिरे पेड़ों के नीचे से गुलाटी खाना, तंग रास्तों में से आगे बढ़ना। और फिर उसने फियोना को रेस के लिए चुनौती दी। तबाकी, आज होगी उसकी तबाही। हाँ, रेस की शुरुआत होगी सभा के पत्थर से, फिर भेड़ियों की गुफा से होते हुए ठंडी गुफा पार करेंगे। ठीक है, पहले भेड़िये को डिनर बनाऊंगा, उसके बाद मीठे में बच्चे को खाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था सरकार, मैंने इतनी बड़ी खबर दी है तो इनाम में भेड़िये की टांग मिलेगी। बाद में सोच के बताऊंगा। अच्छा तो जनाब, फिलहाल आप मेरी पूंछ से एक कांटा निकाल सकते हैं। शुक्रिया शेरखान। फियोना, हमें पता है तुम सबसे तेज हो, अब रेस करने की क्या जरूरत है? पर रेस का आइडिया तो मोगली का ही था, और अगर उसे पीछे हटना है तो वो हट सकता है, पर उसे रेस हारने की कीमत तो चुकानी ही होगी। और उसे इंसानों के पास वापस जाना होगा। आ गया हमारा रेसर। मुझे उम्मीद है तुम रेस की पूरी तैयारी करके आए होगे मोगली। हाँ तैयार हूँ अकेला। यहाँ के दोस्तों को अलविदा कह दो मोगली, क्योंकि रेस के बाद तुम्हें इन्हें छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों को रास्ता तो पता है ना? नहीं बकीरा, ये फियोना और मोगली के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो बस उस पर नजर रखना चाहता हूँ ताकि उसे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। Ah!
इतना आसान भी नहीं है इंसानी बच्चे। थोड़ा कम खा करो, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो फियोना। बहुत बढ़िया मोगली। देखो तो इंसानी बच्चा आया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो भी, कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। मुझे नहीं खेलना है। जीत तो मेरी ही होगी मोगली। अपना तो हो गया दोस्तों। छोड़ो। जाने दो उसे। शुक्रिया बगीरा। ये कहां से आ गया? बस वो आते ही होंगे शेर खान। अगर वो जल्दी नहीं आए तो तुझे बड़ी दिक्कत होगी टबाकी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। वो आ रहे हैं। टबाकी कभी गलत नहीं होता। देखो वो रहे। आओ फियोना, लंच टाइम पर पहुंचे हो। तो क्या बनाओगे आज तुम? शेर खान, शेर खान मुझे छोड़ दो। मुझसे लजीज चीज आने वाली है, वो इंसानी बच्चा। जानता हूँ, उससे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे तो हजम कर लूं। मोगली भागो, अच्छा मौका है। शेर खान ने फियोना को पकड़ रखा है। वही तो, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। भले वो मुझसे नफरत करे, पर है तो मेरा भाई ही। शेर खान, भागो फियोना। ये मीठा तो बड़ा कड़वा। इसका मतलब आज की ये रेस फियोना जीत गया। हाँ, और अब मैं अपना इनाम लेना चाहता हूँ। मोगली, आज के बाद तुम भेड़िये नहीं हो, जंगल छोड़ के चले जाओ और इंसानों के साथ रहो। चलता हूँ रक्षा। अलविदा बाला, ख्याल रखना लाली, याद करना मुझे। बघीरा जरा इन्हें बताओ आखिर हुआ क्या था। फियोना, मोगली ने तुम्हें शेर खान से बचाया और तुम उसका बदला ऐसे ले रहे हो। बघीरा क्या कह रहा है फियोना? ठंडी गुफा के पास शेर खान ने फियोना पर हमला किया, मैंने खुद देखा, और अगर मोगली ने मदद नहीं की होती तो फियोना अभी शेर खान के पेट में होता। हाँ? फियोना, क्या बघीरा की बात में सच्चाई है? ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे झुंड में तुम जैसा सदस्य है। पर अकेला मैं। खामोश फियोना, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रही बात तुम्हारी मोगली, तुम फियोना को उसके हाल पर छोड़कर ये रेस जीत सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने एक साथी की मदद की और सच्चे भेड़िये होने का फर्ज निभाया। तो इसका मतलब है? हाँ, ठीक समझे। क्योंकि मेरे सिर पर खून सवार है बरखुरदार। मोगली फूट। बलू, ये क्या कर रहे हो? वार्म अप कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें भी अपना स्टैमिना दिखा ही दूँ। क्या कहा? बलू।